हम आपको रूम टूर कराएंगे। स्वागत है आपको फिर से ब्लॉग में। मॉर्निंग में उठने के बाद मैं निकलता हूँ लाइब्रेरी के लिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा सत्तू पीता हूँ, क्योंकि मैं खाना खा के तो मैं जाता नहीं हूँ, तो 3 बजे तक मुझे ऐसे ही रहना पड़ता है। जब मैं आ रहा था तो मुझे दिखता है ये, पहली बार में तो मुझे पता चला कि ये मर गया है, किसी ने ठोकर लग दी है, बट ये सोया हुआ था। फाइनली मैं रूम पे पहुंच जाता हूँ, ये है वो बिल्डिंग जहाँ पे मैं रहता हूँ। फिर निकलता हूँ पढ़ाने के लिए। इसी दौरान मैं पहुंचता हूं आंटी के घर पे, जहां से मैं गेहूं लेता हूं, क्योंकि आटा चक्की में इसको डालना था। बहुत ज्यादा दिन का स्कूटी है नहीं, लेकिन इसका हालत ज्यादा खराब हो चुका है। मैं पढ़ाने के लिए जाता हूं, जहां पे ये बच्चा मेरे से इतना लगाव हो गया है कि ये जब मैं जाता हूं तो साथ में ही जाता है। अपना ब्लॉग टीवी पे देखने में मजा आता है। भाई गेट हो गया है बंद, फोन करना पड़ रहा है, खुलेगा गेट। लोग इधर ही जन्म लिया और इधर ही पल रहा है। लोगों का डिमांड था कि रूम टूर जो है वो कराइए, रूम टूर कराना जरूरी है, और रूम टूर आज हम आपको रूम टूर कराएंगे, और रूम में क्या क्या है और कैसा है और कितना बड़ा रूम है जहाँ पे मैं रहता हूँ उसके बारे में आपको बताएंगे। बात ऐसा है कि ये पीछे जो दिखाई दे रहा है, यहाँ से मेरा रूम स्टार्ट होता है मेरे जहाँ पे मैं रहता हूँ, और ये ऐसे घुमाइए इसको और यहाँ पे खत्म हो जाता है। खाना नहीं बनाना है क्योंकि मैं ऑलरेडी खा के आया हूँ कहीं से, तो सबसे बड़ा चीज होता है क्या कि स्टूडेंट लाइफ में खाना अगर कहीं से खा के भाई निश्चिंत रहता है आदमी, बिल्कुल टेंशन नहीं रहता है। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलेंगे किसी न्यू ब्लॉग के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कीजिए।